दोस्तों, वेलकम टू एस टेक में आपका स्वागत है। आप अगर एक वायरलेस एयरफोन की क्लास कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ चार सबसे बढ़िया वायरलेस एयरफोन, वो भी 1500 रुपये से नीचे, क्योंकि आजकल मोबाइल कंपनियां अपने मोबाइल से 3.5 mm जैक हटा रही हैं, जिस कारण लोगों को वायरलेस एयरफोन लेने पड़ रहे हैं। वायरलेस एयरफोन काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं, पर उनको लेने से पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए जानना महत्वपूर्ण होती हैं, तो वो मैं आपको बताऊँगा। साथ ही में आपके लिए चार सबसे बेस्ट एयरफोन कौन कौन से हो सकते हैं वो आपको इस वीडियो में पता लगेगा। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे कॉन्टेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा नंबर चार पर आने वाला एयरफोन, जिसका नाम है ओप्पो एनको M32। ये काफ़ी बेहतरीन एयरफोन है जो कि ओप्पो की तरफ से आता है। इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 वाला मिल जाता है, साथ ही में इसमें आपको डुअल स्विचिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके कारण आप दो डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि मुझे इस डिवाइस का काफ़ी बेहतरीन फीचर लगा है। साथ ही में इसमें आपको पॉलीमर वाली बैटरी मिलती है, जिसको आप एक बार चार्ज करने पर 28 घंटे का बैटरी बैकअप निकाल सकते हैं। साथ ही में अगर फुल चार्ज की बात करें तो आपको लगभग 35 से 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा, 0 से अगर 100% की बात करें तो। साथ ही में इसमें आपको 10 mm वाले ड्राइवर मिल जाते हैं, जिसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। साथ ही में इसमें आपको एक स्पेशल फीचर दिया गया है, जिसके कारण आपको अगर बेस ज़्यादा पसंद हो तो आप अपने बेस को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। और साथ ही में इसमें आपको बटन वाले कंट्रोल मिल जाते हैं, जिससे आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। साथ ही में अपनी म्यूजिक को भी नेस्ट कर सकते हैं, या फिर कॉल रिसीव या कट कर सकते हैं। ये एयरफोन मुझे 1500 की प्राइस रेंज में काफ़ी सही लगा। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो आपको 1500 रुपये में अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों पे मिल जाएगा, और कंपनी इसमें आपको एक साल की वारंटी प्रदान करती है, जो कि काफ़ी बेहतरीन बात हो जाती है। और चलिए आगे बढ़ें और देखें हमारे तीन पर आने वाला एयरफोन, इसका नाम है JBL ट्यून 215 BT। ये JBL की तरफ से आने वाला काफ़ी बेहतरीन एयरफोन है, खास करके इसकी प्राइस रेंज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि JBL के जो एयरफोन है वो ज़्यादातर काफ़ी महंगे आते हैं, पर ये एयरफोन 1500 रुपये में मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन बात हो जाती है। अगर इसके नॉर्मल फीचर्स की बात करें, इसमें आपको 12.5 mm वाले डायनेमिक ड्राइवर मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी डीप और पावरफुल साउंड क्वालिटी को आपको प्रदान करेंगे, काफ़ी बेहतरीन साउंड क्वालिटी आपको इसमें सुनने को मिलेगी। साथ ही में इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 वाला मिल जाता है, जो कि डुअल पेयरिंग को सपोर्ट करता है। साथ ही में इसमें आपको टाइप सी वाली चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, और साथ ही में वॉइस असिस्टेंट ऐप की फीचर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बेहतरीन बात हो जाती है। इसमें एक कमी मुझे लगी है, वो लगी है मुझे इसकी बैटरी, क्योंकि इसमें आपको एक बार चार्ज करने पर सिर्फ 16 घंटे का ही बैटरी बैकअप मिलेगा। अगर आप इस कमी से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो आप इस एयरफोन की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बेहतरीन है, खास करके साउंड क्वालिटी आपको काफ़ी बेहतरीन मिलेगी। इसमें जो ड्राइवर मिलते हैं वो काफ़ी शानदार मिलते हैं। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो आपको 1400 रुपये में आराम से मिल जाएगा। कंपनी इसमें आपको एक साल की वारंटी प्रदान करती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारे नंबर दो पे आने वाला एयरफोन, जो कि बोट की तरफ से आता है, जिसका नाम है बोट रॉकर्स ट्रिनिटी। इस एयरफोन में काफ़ी बेहतरीन फीचर मिलते हैं, पर जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे खास मुझे फीचर लगा है, वो लगा इसकी बैटरी। इसमें आपको एक बार चार्ज करने पर 150 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, जो कि इस एयरफोन को बाकी सभी एयरफोन से बिल्कुल अलग बनाते हैं, और इसी में एक फीचर के कारण मैंने इसको नंबर दो पे रखा है। जो अदर फीचर्स हैं वो आपको इसमें नॉर्मल मिल जाते हैं, जैसे ब्लूटूथ वर्जन 5.2 वाला मिल जाता है, साथ ही में इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट का फीचर मिल जाता है, IP55 की रेटिंग मिल जाती है, साथ ही में 10 mm वाले ड्राइवर मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी का आपको प्रदान करेंगे। पिछले वाले से तो थोड़ी कमज़ोर साउंड क्वालिटी लगेगी आपको, पर इसके जो बैटरी बैकअप वो काफ़ी शानदार। साथ ही में इसमें आपको एक स्पेशल गेमिंग मोड भी दिया गया है, जिसके कारण आपको जो साउंड क्वालिटी वो भी अच्छी इंक्रीज़ होगी, साथ ही में जो साउंड है वो बिल्कुल एक्यूरेट आपके कानों तक पहुँचेगा, बिल्कुल भी लैग नहीं होगा। बात अगर इसकी प्राइसिंग की करें तो ये आपको 1499 रुपये में आसानी से अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों पे मिल जाएगा। ये कंपनी आपको एक साल की वारंटी प्रदान करती है, जो कि काफ़ी बेहतरीन बात हो जाती है। ये काफ़ी बेहतरीन ईयरफोन है, खास करके इस प्राइस रेंज के हिसाब से, खास करके इसकी बैटरी बैकअप वो काफ़ी बेहतरीन है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारे नंबर वन पर आने वाला एयरफोन, जो है क्रॉस बीट्स की तरफ से आने वाला सफल निक बैंड। ये एक बहुत ही शानदार एयरफोन है। 1500 रुपये के नीचे अगर कोई सबसे बेस्ट एयरफोन आप देखना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया एयरफोन आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें आपको जो फीचर मिलते हैं वो काफ़ी शानदार मिलते हैं। जैसे इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 वाला मिल जाता है, साथ में इसमें आपको 72 घंटे का बैटरी बैकअप वाली बैटरी मिलती है, मतलब आप एक बार चार्ज करेंगे तो 72 घंटे तक का बैटरी बैकअप आपको दे देगी। साथ ही में इसमें आपको 13 mm वाले पावरफुल ड्राइवर मिल जाते हैं, जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी प्रदान करेंगे। साथ ही में इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट का भी फीचर मिल जाता है, जो नॉर्मल फीचर होते हैं वो सभी इसमें आपको मिल जाएंगे, जैसे म्यूजिक कंट्रोल करने वाला या IPX55 की रेटिंग वाला। इसी के साथ इसमें आपको एक स्पेशल गेमिंग मोड भी दिया गया है, जो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देगा।
मेरे हिसाब से तो ये वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन है, खास करके इस प्राइस रेंज में। अगर इसकी प्राइस की बात करते हैं, आपको 1499 रुपये में अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों पर मिल जाएगा। इसमें कंपनी आपको एक साल की वारंटी प्रदान करती है, तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन साबित हो सकता है इस प्राइस रेंज में। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एस टेक चैनल।